नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज आपके लिए बेहद ही खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्योंकि आज बात 2014 और 2019 की होगी। क्योंकि आपको बता दूं, उस वक्त भी मैं जनता के बीच गया था 2014 के वर्ष में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें थी, यानी नरेंद्र मोदी से। उस वक्त हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। अब 2019 का वक्त है, अगले साल चुनाव है, हर किसी की जुबान पर अब क्या है, यह आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में कंपैरिजन करना बेहद जरूरी है कि क्या वो उम्मीदें अब पूरी हो पाई। तो देखिए, उस वक्त के कुछ अंश जब रिपोर्टिंग की थी जनता के बीच जाकर, और इस वक्त का कुछ अंश, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और लोगों से लगातार हम जान रहे हैं कि 2014 में किसे बनाएंगे वो अपना प्रधानमंत्री, किसे चुनते हैं इस बार देश की गद्दी के लिए। मोदी की सरकार मुझे लगता है कि हमारे लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जी, मोदी पार पा पाएंगे क्या 2019 में? आएगा राहुल पक्का। कह रहे हैं कि राहुल में दम नहीं है। पक्का आएगा, राहुल आएगा। कर दिया खेल खड़ा। आज तक भी शासन कांग्रेस ही ने करी। अच्छा है, इतने साल कांग्रेस ने शासन करा, फिर उसको पीछे क्यों धकेल रहे हो? अब बताइए, आपका वोट है, किसे वोट देंगे इस बार अपना? हम तो नरेंद्र मोदी को देंगे वोट। नरेंद्र मोदी, आप किसे देंगे वोट? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी। नरेंद्र मोदी बीजेपी। ये भी बीजेपी समर्थक है। आने वाला जो समय है वो बीजेपी आज तक जो भी करती आई है, सिर्फ बातें ही करती आई है, विकास का मुद्दा आज तक कुछ नहीं है। आपने क्या माना है जनाब इस बार? मैं वोट उसे दूंगा जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा करे। मोदी मेरे लिए सबसे बढ़िया है, मोदी को ही वोट देनी चाहिए, मोदी को ही वोट दूंगा। कोई मोहर नहीं लगी, विकास के मुद्दे पे सरकार फेल है। विकास के मुद्दे फेल है, ये सरकार बिल्कुल जीरो है। क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? जो नहीं हो पाया, हमने कोई भी चेंजिंग नहीं देखी पिछले 4 साल में, और नोटबंदी करके विकास के मुद्दे को और रोक दिया गया, जो देश के विकास की धारा बह रही थी उसको रोक दिया गया। रोजगार के मुद्दे पे भी ये सरकार फेल है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, यहाँ 2 लाख को भी नहीं मिल पा रहा है। देश का विकास करे, देश का जो है आगे की ओर ले जाए, अपना देश सुरक्षित रहे, उसी को वोट देना चाहिए। अगर कांग्रेस का और देश का प्रबुद्ध नागरिक, हर वर्ग का नागरिक उसके साथ जुड़े, तो कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी देश को एक मजबूती की तरफ ले जाएंगे। जी बिल्कुल, मोदी के अलावा और कोई नहीं यहाँ देश में बन सकता है पीएम। एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे देश में, सिर्फ मोदी और मोदी। आपने क्या सोचा इस बार? मोदी को देंगे। ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, स्वा एक अपने घूमने भाषण देने, स्वा कुछ नहीं कर रहे हैं। देश के लिए नरेंद्र मोदी ही बेहतर है। हाँ, राहुल गांधी तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके, उनके बस की चलाना नहीं है देश को। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।